छतरपुर में गुरुवार को उस वक्त बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब बीच सड़क पर एक युवक ने अपनी बहन और उसके प्रेमी की पिटाई कर दी। ये घटना बस स्टैंड की है, जहां लड़की के भाई ने उसे अपने प्रेमी के साथ घूमते देख लिया और इसके बाद वो भड़क गया। उसने बहन के प्रेमी को इतना मारा कि उसके चेहरे से खून आने लगा। इतना ही नहीं, अपनी बहन को भी घसीट कर ले जाने लगा। हालांकि लड़की प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। वो बार बार कहती रही कि मैंने इसे अपना पति मान लिया है। जानकारी मिली कि 18 साल की लड़की 20 साल के लड़के के साथ बैग लेकर कहीं जा रही थी। जिस वक्त भाई पिटाई कर रहा था, लड़की को खींच कर ले जा रहा था, उस वक्त प्रेमिका बार बार अपने प्रेमी की बाहों में लिपटी जा रही थी। इस दौरान किसी आदमी ने कोतवाली में सूचना दे दी। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, पर मामला यहां नहीं सुलझा। दोनों को थाने ले गए। प्रेमिका का कहना है कि उसने लड़के को अपना पति मान लिया है, वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। लड़की ने बताया कि वो सिर्फ यहां पर घूम रहे थे, इसी बीच भाई ने देख लिया और जमकर मारा। इस मामले में प्रेमी का कहना है कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। घूम रहे थे आप लोग? हाँ। कौन है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड? है इनके भाई ने मारा था? हाँ। कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ घूमने के लिए आए थे। किसके साथ में? कौन है ये आपके हस्बैंड है? शादी की आपने? वो तो कह रहे बॉयफ्रेंड नहीं करेंगे। बॉयफ्रेंड है आपके? तो किसने मारपीट कर दी? राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।